सिरेना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। आपली बस संकट में, दत्तेवाड़ा नक्सल हमला, घायल जवान ने तोड़ा दम। जेएनयू शिक्षक संघ चुनाव 1 नवंबर को, मतदान और नतीजे। अब खबरें विस्तार से। आपली बस संकट में कभी भी थम सकते है पहिया। जनता की मूलभूत सुविधाओं की श्रेणी में परिवहन सेवा भी आई है, पर नागपुर मनपा की नजर में परिवहन सेवा की श्रेणी नहीं है। तभी तो बस सेवा घाटे को पाटने के लिए मनपा बिल्कुल उत्सुक नजर नहीं आ रहा। अधिकारियों के लापरवाह वजह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन बस बन पड़ी। अभी सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ आपली बस टूटने की स्थिति में पहुंच चुकी है। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में घायल जवान राकेश कौशल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। राजधानी के रामकृष्ण हॉस्पिटल में राकेश कौशल का इलाज चल रहा था। उन्होंने सुबह 5 बजे आखिरी सांस ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ जेएनयू चुनाव के लिए 1 नवंबर को मतदान होना है। इसी दिन चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।